सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुला कर ना जाते। जी लो आज कल किसने देखा है। आज का पंचांग 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 9:53 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र शाम 6:04 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। तुला राशि 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार, आपके प्रकृतिक उत्सुक और अदमनीय है और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद नहीं करते। आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इसके स्थान पर खुशी और प्यार दे और आपको भी बदले में खूब खुशी और प्यार मिलेगा। अपने काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर रंग भर सकते हैं। अचानक हुए ब्रेकअप या अलगाव से आप अकेला महसूस कर सकते हैं। इस एकांत से बाहर आए क्योंकि दुखों से उभरने का यह सबसे अच्छा समय है। जल्दबाजी के फैसलों या जोखिम भरे कार्यों से बचें। रचनात्मक कौशल का आनंद लें। रोमांच और जोखिम भरे कामों से आज दूर ही रहें। जुए और सट्टा भी आपके लिए परेशानी ही लेकर आएंगे। आमदनी के अनुसार ही खर्च करें। ऐसा करने से अपनी बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं और तोड़ने में एक क्षण और उसे पुनः प्राप्त करने में पूरा जीवन बीत जाता है। शाम के समय थोड़ा आराम कीजिए। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपको धन लाभ तो हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपने रोजमर्रा के कामों से छुट्टी लेकर आज दोस्तों के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। सावधान रहें क्योंकि प्यार में पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। आज आप सारे रिश्ते और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। किराए की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है लेकिन आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता भी बनी रहेगी। आज के दिन अपने मनोनुकूल कार्यों में समय व्यतीत होगा तथा मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम भी बनेंगे। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ कोई विवाद दूर होने से संबंधों में मधुरता आएगी। मौज मस्ती के साथ काम पर ध्यान देना होगा। खर्च अचानक बढ़ सकता है जिस पर नियंत्रण करना कठिन लगेगा। जीवन शैली में बदलाव करने के लिए अपनी नकारात्मक बातें दूर करें। आपके लिए डिसिप्लिन आवश्यक है, ये बात समझ आएगी। इस कारण काम और जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले को महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है। परिवार और वैवाहिक जीवन से संबंधित नकारात्मकता दूर होगी। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से आनंद मिलेगा। शरीर की गर्मी बढ़ने से तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखें। आपका धन यदि कहीं अटका हुआ था तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है और आपको अपनी किसी पैतृक संपत्ति के लिए भी मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। भाई व बहनों से आपकी कुछ खटपट रहेगी, यदि ऐसा हो तो आप उनसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको तरक्की की राह में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। सावधानियां, पारिवारिक मामलों में ज्यादा रोक टोक ना करें।
घर का माहौल उचित बना रहेगा। पड़ोसी के साथ कोई बहस हो सकती है, इसीलिए अत्यधिक क्रोध करने से बचें। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने से किसी नुकसान से बच जाएंगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वह आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रहे हैं और आपको खुश करने की कोशिश पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ कर दें, वे खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी। रोमांस तथा प्रेम के खेल का आनंद लेने के लिए आपके प्रयास बेहद जरूरी हैं। अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल जुटाएं। याद रखें, कोई भी संबंध संपन्न नहीं होता, बस अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज आप भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपको लगेगा कि आपका साथी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उसके लिए कुछ स्पेशल करें जिससे वो आपके जीवन में अपने महत्व को जाने। अपने रिश्ते में यादों के कुछ और मधुर पल जोड़ें। इसके बाद आप दोनों कभी भी अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बात करते हैं करियर की। आज समय अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करके अपनी आसपास के लोगों को प्रभावित करने का, नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए आपका डिप्लोमेट स्वभाव आपके करियर को नई दिशा देगा। अचानक डिस्कनेक्शन आपके लिए उदासी का कारण बन सकता है। आज आपका धन और संपत्ति आपके बारे में राय तय करेंगे। आर्थिक निर्णय लेने और अपने सहयोगियों से जुड़ने के लिए यह समय उचित है। आज आपको वो सभी प्रयास करने होंगे जिससे धन अर्जित करने में मदद मिली। अपने कौशल और अनुभव के कारण आप अपने व्यवसाय या कंपनी को शीर्ष तक ले जा सकते हैं। आज के दिन काम और कार्य क्षेत्र के हिसाब से काफी हद तक शांत रहेगा। आज का दिन घटनाओं रहित रहेगा, जिससे कि आपको अपने वैसे कार्यक्रम से भी थोड़ी राहत मिलेगी जिसकी तलाश आपको काफी समय से थी। इस समय के आप सराहना करें और इसे मनोरंजन में बिताएं और उन खुशनुमा पलों को भी याद करें जो आपने अपने कार्य क्षेत्र में महसूस किए हैं। व्यवसायिक कार्य संपन्न होने में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कोई भी डील करते समय जल्दबाजी ना करें। इस समय तनाव लेने के अपेक्षा धैर्य बनाकर रखना ज्यादा उचित रहेगा। युवा वर्ग को इस कंपटीशन के माहौल में करियर को लेकर अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। आपको अपने खर्चों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी आय तो कम रहेगी, लेकिन आप अपने खर्चों को लेकर बजट बनाकर चले तो बेहतर रहेगा। माता जी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती है, यदि आपने उसमें ढील दी तो वह आपसे नाराज हो सकती हैं। संतान की शिक्षा में यदि कोई समस्या आ रही थी तो आप उसे अपने अध्यापकों से बातचीत करके दूर करने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार लेकर आएंगे, यदि आपकी किसी काम को लेकर टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपकी सेहत अच्छी ही है, लेकिन आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं। आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। भावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति होती है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है। आप सकारात्मकता से भरे हैं और आज के महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सफलता और पहचान मिलने की संभावना है। क्रोध करने से बचें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।